जैसे क्या, पढ़ रहे हैं फोन चला लिया, है ना, अपन अपनी आदत के गुलाम बन रहे हैं। सबसे पहले हमको हमारी खराब आदतों को छोड़ना है, उनसे आजादी पाना है। जितनी भी नेगेटिविटी आपके अंदर है उन सबसे आपको आजादी पाना है। तो इसका मतलब तभी जितनी भी हमारा यूथ है अभी, जो हमारी यंग जनरेशन है, उनके लिए तभी ये इंडिपेंडेंस डे मनाना सफल होगा। अदरवाइज आप सबको इंडिपेंडेंस डे आप फिर क्यों मनाएंगे, अगर आप खुद ही इंडिपेंडेंट नहीं है, अगर आप अपनी आजादी, अपने जो आपका जो खराब आदतें उनके गुलाम बन चुके हो, तो फिर आप कैसे इंडिपेंडेंस डे मना सकते हैं। ठीक है, तो जितनी भी नेगेटिविटी है सबको आप दूर करिए, तभी आप इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। अब मैं रिस्पेक्टेड डायरेक्टर सर को बुलाना चाहूंगी। नमस्कार, आप सभी को 70वां दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और पानी बरस रहा है बाहर, बच्चे काफ़ी लोग हिम्मत नहीं कर पाए यहाँ आने की, तो काफ़ी कम मात्रा में बच्चे आए हुए हैं। और स्वतंत्रता के अवसर पर मैं यही बोलना चाहूँगा कि ज़्यादातर हम लोगों के जो कोर्स होते हैं, जो सबसे लंबा कोर्स होता है वो 1 ईयर का होता है। तो मैं आप लोगों को सभी के लिए कामना करता हूँ कि आपको अगला स्वतंत्रता दिवस जो है वो इस कोचिंग संस्थान में ना मनाना पड़े, बल्कि आप लोग अपने अपने जॉब में चले जाएं, या आपका जो कॉलेज है, जैसे कि आपका MBBS कॉलेज है, नर्सिंग कॉलेज है, या आपके कोई जॉब है, तो अपने अपने आपसों में जो है वो अगला स्वतंत्रता दिवस मनाएं, है ना। तो जो हमारा 76वां स्वतंत्रता दिवस होगा वो हम लोग यहाँ ना मना करके कहीं दूसरी जगह मनाएं, बाकी यहाँ मनाने वाले बच्चे फिर से आ जाएंगे। तो पुनः आप लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, है ना, सबको बोलने का अवसर देना चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। पर्वत पर वो खून था हिंद।
हिंदुस्तानी जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। थी खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठा के दस दस को एक ने मारा, फिर गिर गए होश गवा के जब अंत समय आया तो। खुश रहना देश के प्यारों, खुश रहना देश के प्यारों, अब हम तो सफर करते हैं, अब हम तो सफर करते हैं। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सही कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। गवर्नर थे भारत के लॉर्ड माउंटबेटन, उनकी जिद थी कि 15 अगस्त को ही भारत को आज़ाद करेंगे, उसके पहले नहीं करेंगे। तो ज्योतिषियों को पता चला कि 15 अगस्त को आज़ाद होना है। ज्योतिषी, भारत थोड़ा सा प्रधान देश है, ज्योतिष विद्या ज़्यादा मानता है, बोला नहीं 15 अगस्त को अगर आज़ादी मिली तो कलह फैल जाएगा, पूरा देश अशांति के दौर से गुजरेगा, तो कुछ ऐसा सुझाया जाए कि 15 अगस्त को ना। बोले 14 अगस्त को कर देते हैं, बोले नहीं हमने बोल दिया 15 अगस्त मतलब 15 अगस्त, एक्चुअल में वो 15 अगस्त को ही युद्ध जीत के आए थे 1945 में, और वो उसी की याद बनाना चाहते थे, वो 15 अगस्त को ज़्यादा शुभ मानते थे। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि 15 अगस्त को उनका बर्थडे भी था, तो वो बोले 15 अगस्त को ही आज़ादी मिलेगी, इसलिए आज़ादी को आधी रात में आज़ाद करवाना पड़ा भारत को, कि 14 अगस्त भी हो जाए और 15 अगस्त हो जाए, क्योंकि जो हिंदू तिथियां हैं वो उदिया तिथि को मानती हैं। तो हिंदू ज्योतिष के अनुसार क्या है कि जब तक सूर्योदय नहीं होगा तो दिन होगा ही नहीं, और ब्रिटेन वाले मानते हैं कि 12 बजे के बाद दिन चेंज हो जाता है, इसलिए 12 बजे रात को हमें आज़ादी मिली। तो आप सभी को 15 अगस्त 1947 से आज तक के 75 सालों की बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएँ, आप सभी अपने जीवन में सफल हों। स्वागत है श्रीमान आपका, स्वागत है श्रीमान। ठीक, और मैं चाहता हूँ कि आज आप प्रण लें, ठीक है, जिससे हमारे महावीरों ने लिया था देश को आज़ाद कराने के लिए, आप भी लें देश के लिए कुछ करने का, ठीक है। तो अगर आप अपने लिए करेंगे तो देश के लिए कुछ होगा, ठीक है, इतने बोला चाहूँगा। थैंक यू। आज के दिन आप आज़ाद हुए थे, है ना। अच्छा, पहले तो आप सभी के लिए तालियां देते, बारिश में यहाँ आए सभी के लिए, स्टाफ के लिए और बच्चों के लिए। इतनी तेज आधी में बारिश हो रही है, पूरा है ना, रोड एकदम भरी हुई है पानी, लेकिन फिर भी आप इतने बारिश में आए हो, तो आप लोगों को इसकी बधाई है ना, और बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप इतनी हिम्मत करके आए यहाँ तक।
और आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज के दिन आप आजाद हुए थे और आपको इसी तरह आजादी आज के प्रॉब्लम से भी लेनी है। उस समय की प्रॉब्लम कुछ और थी, अपन ने तब आजादी ली। आज की प्रॉब्लम भी कुछ और है, अपन को उससे आजादी लेना है। अपन क्या करते हैं, खुद को बहाने बताते हैं। पढ़ने से बहाने करते हो कि नहीं करते हो? करते हो। तो ये आज की प्रॉब्लम है, तो इससे आपको आजादी चाहिए। दूसरी चीज, खुद से झूठ बोलते हो और बाकी टीचर से भी झूठ बोलते हो कि सर तबीयत खराब थी, कॉपी छूट गई, इसका मुंडन था, इसका कंछेदन था, सब बोलते हो, हर एक चीज बोलते हो। क्लास की चीजें बताएंगे तो हंस हंस के पागल हो जाओगे, इतनी चीजें बोलते हो, तो झूठ बोलने से आजादी। तीसरी चीज, मेहनत। तुम लोग क्या मेहनत उतनी ज्यादा नहीं, घर में जाओगे तो सोना, मूवी देखना और बाकी कोई छोटा मोटा फंक्शन उसमें चले जाओगे, तो मेहनत ना करने से आजादी, समझ रहे हो? तो मेहनत करनी है और ज्यादा, ये चीजें क्लियर है। और जितना यहाँ पे डेली आपको पढ़ाया जा रहा है वो घर में रोज पढ़ो जाकर। तो ये सब चीजें जब सिलेक्शन साथ में करोगे तो सिलेक्शन होता आदमी का, क्लियर है? अपने आप को हर चीज में परफेक्ट करना होगा। करोगे? Yes, अपने आप को इस साल से अगले साल और ज्यादा इम्प्रूव करोगे? Yes, सब लोग? Yes, पक्का? Yes, करोगे? Yes, चलो जय हिंद, है ना, हैप्पी इंडिपेंडेंस। नीट के लिए ऐसा लगता है जब प्रिपरेशन करते हैं बहुत टाइम पे, ऐसा लगता है कि नहीं हो पाएगा या नहीं होगा, तो बस है कि उम्मीद रखो हो जाएगा। मतलब अपना गोल सेट रखो कि बस हमें करना है, उस जगह पे अपने आप को देखो कि अगर हो गया तो कैसा होगा। फिर जैसे मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी बॉटनी पे, क्योंकि जूलॉजी पे तो थोड़ा फील आ जाता है कि बाद में यही पढ़ना है, बट बॉटनी को नहीं कर पाते थे। तो हमारे बायोलॉजी फैकल्टी राजीव सर ने बहुत हेल्प की मुझे बायोलॉजी में, और राहुल सर अभिषेक सर ने भी फिजिक्स केमिस्ट्री में गाइडेंस दी। बाकी एनसीईआरटी से हम लोगों ने पढ़ाई की ऑनलाइन कोचिंग। तो बस यही है कि अपना गोल परफेक्ट रखना, उससे डेविएट मत होना, और बीच में कभी लगता है डिप्रेशन हो गया, कुछ हो गया, तो अपने फ्रेंड से बात करो, अपने पेरेंट्स से बात करो, अपने टीचर से अपनी प्रॉब्लम शेयर करो, बस यही होता है। थैंक यू। आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं, क्वेश्चन जो आपके मन में उठ रहे हैं, कुछ पढ़ाई संबंधित कुछ बोलेंगे? मतलब बहुत जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो बोलेंगे हमने 8 घंटे पढ़े हैं, कुछ बोलेंगे हमने 3 घंटे। वो अपने ऊपर डिपेंड है, तुम कितने कैपेबल हो, तुम कितने में कर सकते हो, वो उस पर डिपेंड करता है। मतलब मेरा तो ऐसा, मैं नहीं बोलूँगी मैंने 8 घंटे पढ़े, और कभी कभी होता था मैं दिन भर बैठी रहती थी, बट वो बुक लेके रहना कोई फ़ायदा नहीं होता। तो जब तक मन हो रहा है अच्छे से पढ़ो, फिर 1 घंटा हो 2 घंटा हो 3 घंटा हो जितना भी हो बस मन से पढ़ो। फिर ऐसा भी नहीं होता, टाइम शेड्यूल कुछ सेट कर लेते हैं कि अब ये टाइमिंग है तो बायो ही पढ़ना है, ये टाइमिंग फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, कुछ नहीं होता। मतलब जब तुम्हें जो सब्जेक्ट में मन में आए तुमको पढ़ना है, तुम इस पर वीक हो रहे हो तो उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम दे दो। और अगर कोई ऐसे सब्जेक्ट है जो तुमको लग रहा है, जैसे फिजिक्स के न्यूमेरिकल ज़्यादा टफ लगते हैं नीट वालों को, तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल जब फ्री टाइम पे हो तो न्यूमेरिकल्स उठा के बैठ जाओ, तो उसका एक ऐसे सेट कर दोगे ना तो अपने आप में रिस्ट्रिक्शन लग रहा है कि अरे टाइम हो गया तो अब हमको उस पे जाना है। उससे अच्छा है कि जब जो मन पे आए बस पढ़ो, और जब मन नहीं हो तो थोड़ा अपने आप को रिलैक्स कर लो। फिर ऐसा नहीं कि बस अब मुझे बैठना है 8 घंटे कंटिन्यू कर लो। आज़ादी का अर्थ क्या होता है? फ्रीडम, कि मेरे को कोई रिस्ट्रिक्शंस ना हो, हम जहाँ जाना चाहे इंडिया के अंदर जा सकते हैं। तुम लोग जो यहाँ आए हो क्यों आए हो? खुद की फ्रीडम के लिए ना यहाँ जाए हो, क्या मैं किसी के लाइफ में फ्यूचर में, इन फ्यूचर में किसी पे डिपेंड ना हो, मेरा खुद का आज़ादी हो। तो आज़ादी के लिए क्या होना चाहिए? तुम्हारे पास क्या च्वाइस क्या है? एक ही चीज़ है कि मेरा जो टारगेट है, मेरा जो गोल है उसको अचीव करना है, उसके अलावा कोई भी डेविएशन होना सबको इग्नोर करना। तो तुम लोग क्या करते हो ना, डेविएशन को पकड़े रखते हो, अपने गोल को भूल जाते हो, अपने अचीव जो करना है ना तुमको इन फ्यूचर वो भूल जाते हो। तो क्या करना है तुम लोग को? डेविएशन को छोड़ के अपने फ्रीडम के लिए फाइट करना है, और अपने अचीव गोल को क्या करना है, हमेशा याद रखना है। ठीक है, आज के दिन तुम लोग ये चीज कर लो कि मेरे को डेविएशन को भूल जाना है। जितना भी डेविएशन, चाहे मोबाइल फोन हो, चाहे कॉलिंग हो, बात करने के लिए दोस्त अभी बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन कुछ समय के बाद कोई दोस्त नहीं रहेंगे साथ में। इन एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, बहुत सारे दोस्त थे मेरे, लेकिन आज कोई दोस्त के पास टाइम नहीं है, मेरे पास खुद नहीं मेरे दोस्त के लिए टाइम। क्यों? क्योंकि सबके पास अपना अपना टाइम है, सबके पास अपना बहाना है, एक्सक्यूजेज है, सबको अपना कैरियर सेट करना है। तो अभी तुम्हारे पास टाइम है, तुम्हारे पास बहुत इनफ टाइम है अभी तुम्हारे पास प्रिपरेशन के लिए। तो अपने फोकस पे अचीव करो, और गुड लक, ऑल ऑफ यू। हाय सर, जयदीप द्विवेदी फ्रॉम जीएमसी रतलाम।
सबसे पहले तो मैं एक आपसे सवाल करना चाहूंगा कि जैसे आपका सब्जेक्ट है आज क्या फ्रीडम है कि नहीं, तो आप सबको क्या लगता है कि मुझे किस वक्त से फ्रीडम चाहिए, आप बताइए। पढ़ाई सबसे पहले अपने फ्रीडम चाहिए किससे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से है कि नहीं, फिजिक्स से। हाँ तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों से चाहिए, तो अपने को इतनी मेहनत करनी है कि अपन अगले साल फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में तीनों से फ्रीडम अपन पा जाएं 15 अगस्त के पहले पहले तक, समझे क्या। तो वही है, बाकी अपने को अपने टीचर्स पे पूरा विश्वास रखना है कि क्या वो पढ़ा रहे हैं क्या नहीं पढ़ा रहे हैं, है ना, उन पर पूरा विश्वास करके चलना है, वो हमेशा अपने सही राह देते हैं, और अपने को सिली मिस्टेक्स अपनी कम करनी है सबसे पहले एग्जाम्स में, है ना। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट। मेरा नाम अभिषेक सोनी है और इस साल मैंने नीट दिया था, और एलएन की आंसर की से मेरे केमिस्ट्री में 150 हैं, फिजिक्स में 125 हैं और बायो में 325 हैं। तो कहीं ना कहीं देखो यार, सबसे पहली चीज़ होती है यार सीखना, अपन कहाँ से सीखते हैं चीज़ें, है ना। ये नहीं होता कि अपनी कभी कभी अपन सोचते हैं कि जहाँ अपन पढ़ने जा रहे हैं, हाँ पढ़ाई तो हो रही है, पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं ज़िंदगी में जो सीखने की होती हैं। दो वर्ड को मैं यहाँ पर फोकस करना चाहूँगा, एक होता है एक्सपेक्टेशंस, दूसरा होता है एक्सेप्टेंस। एक्सपेक्टेशंस हमारे पास बहुत सारे होते हैं यार, हमें एम्स दिल्ली चाहिए, है ना, लेकिन दूसरा क्या होता है एक्सेप्टेंस, हम हैं कहाँ पर एक्चुअली, हम कहाँ पर, हमारी क्या मिस्टेक्स हो रही हैं, क्या हम सुधार कर रहे हैं, क्या अपनी डे टू डे लाइफ में चेंजेस ला रहे हैं, या फिर यही सब चीज़ें जो अपन सोचते हैं सेल्फ एनालाइज करते तो हमको चीज़ें पता चलती हैं। सबसे पहले होता है खुद से बातें करना, आप खुद से कितना बातें करते हो, खुद को कितना जानते हो, मतलब एक होता है ना सूडो कि यार नहीं नहीं यहाँ हो गया ठीक है जैसा आ रहा है नंबर वहाँ अपन कर लेंगे, लेकिन एक होता है रियलिटी की हाँ कमी कहाँ आ रही है यार, वो बंदा अगर इतने नंबर ला सकता है तो मेरे इतने नंबर आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, क्या गलतियाँ हो रही हैं। बस ये सब चीज़ें जब आप खुद से पूछते हो तो आपको पता चलता है कि एक्सेप्टेंस क्या होता है और एक्सपेक्टेशंस क्या होती है। एक्सपेक्टेशंस कभी मत रखना, एक्सेप्टेंस रखना कि हाँ हम कहाँ पर हैं और हमें कितना चाहिए, है ना। गोल तो सेट करो, गोल से क्या होता है मोटिवेशन मिलता है, लेकिन रियलिटी को भी फोकस करते हुए कि अपन किधर हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें मैंने फेस की थी, मेरी थोड़ा जर्नी लंबी हुई थी, बस सीखने में टाइम लग गया, कहीं ना कहीं हमारे जो सीनियर्स हैं हमेशा हमें मोटिवेट करते रहे, राजीव सर हो गए, प्रांजलि मैम हो गई, और इन्हीं सब की बदौलत मैं कहीं ना कहीं यहाँ पर आया हूँ। तो देखते हैं, सब तो बाकी ऊपर वाले के भरोसे हैं, सब अच्छा होगा, और तुम लोग का भी बस खुद से प्रॉमिस करो कि मैं खुद को एनालाइज करूँगा और जो चीज़ें हमारे अंदर कमियाँ हैं उसको दूर करने की कोशिश करूँगा, और हमेशा टीचर्स के कॉन्टेक्ट में रहना ज़रूरी है कुछ भी प्रॉब्लम्स हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको डाउट है किसी चीज़ का तो वो लेकर आ रहे हैं, नहीं, कोई भी परेशानी हो किसी भी तरह की कि ये है इसकी वजह से मैं पढ़ नहीं पा रही, या फिर ये है या वो है, जितना आप इंटरेक्ट करोगे लोगों से, जितना आप सवाल पूछोगे उतने ज़्यादा आपको तरह तरह के जवाब मिलेंगे, और उन जवाबों से आपको देखना है कि आपके लिए बेहतर क्या है, ठीक है, आपके लिए बेहतर क्या है, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, ठीक है। तो जब आप सेल्फ एनालिसिस करोगे आपको चीज़ें पता चलेंगी, और किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू यू ऑल। हमारा एक्सपीरियंस होता है, हमारे बैच का कुछ अलग था क्योंकि लॉकडाउन लग गया था, सब फर्स्ट लॉकडाउन सबके लिए एक नया एक्सपीरियंस था, सेकंड में सबको पता था कि करना क्या है। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि सेल्फ एनालिसिस ज़रूरी होता है, तो उसके लिए सभी लोग अपना थोड़ा थोड़ा करके एक टू डू ज़रूर बनाते हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि वो रोज़ बनाए या उनकी हर बार फॉलो भी हो, लेकिन बनाते ज़रूर हैं, उससे उनको एक डायरेक्शन मिली रहती है। तो बाकी सबने सब कुछ कहा, एक टू डू का अगर हो सके तो ट्राई करना, पूरी फॉलो अप हो नहीं हो फर्क नहीं पड़ता, आपको एक डायरेक्शन मिली रहेगी, आपको एक उम्मीद रहेगी, एक गोल रहेगा कि हाँ आगे बढ़ना है और कहाँ बढ़ना है। थैंक यू, हैप्पी टारगेट दो और उसे अचीव करने की कोशिश करो, मतलब कोशिश करो बहुत ज़्यादा, वो एक विल पावर नाम की चीज़ होती है ना, कि हमें अपनी विल पावर को इतनी ज़्यादा मेंटेन करके रखनी होती है इस पूरी नीट के प्रिपरेशन जर्नी में, कि हमें जो भी हमने टारगेट एवरीडे टारगेट लिया है हमें उसे अचीव करना है, तभी सोना है, तभी खाना है, मतलब जो भी है तभी करना है, ठीक है।
तो उसके बाद तो फिर जब नीट हो जाएगा उसके बाद तो फिर आप वैसे भी अपना गोल अचीव कर लोगे जो करना है करना, लेकिन अपना एवरी डे टारगेट जरूर अचीव करना। ओके थैंक यू। मैं तो यही कहूँगी कि मतलब पढ़ाई करते समय मतलब हमेशा पढ़ते नहीं रहना है, रिलैक्स भी रहना है, थोड़ी मस्ती भी करनी है, पढ़ाई भी करनी है, साथ साथ में ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। जितना ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे उतना ज़्यादा मतलब कि गलतियाँ निकलेंगी, उसको फिर से सॉल्व करोगे।